आगरमालवा जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित नलखेड़ा नगर का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। तांत्रिक साधना के साथ उज्जैन नगर के बाद नलखेड़ा नगर के माँ बगलामुखी मंदिर का नाम आता है। माँ बगलामुखी का महास्थल एक अति प्राकृतिक और रमणीक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर माँ के दर्शन कर लाभान्वित होते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सच्चे मन से माँ की आराधना की जाए तो उसकी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। आश्चर्य का विषय तो यह है कि यहाँ हिंदू समुदाय के साथ साथ कहीं मुस्लिम वर्ग के लोग भी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ बगलामुखी मंदिर एक और प्रसिद्ध श्री बालडावदा वाले हनुमान मंदिर, यह मूर्ति महाभारत काल की है। वृंदावन से आए श्री रामजी बाबा कोकिल ने पत्रकारों को बताया कि महाभारत काल में मूर्ति नाभि के ऊपर प्रतिष्ठित की जाती थी। जहां जो प्रतिमा है वहां भी नाभि से ऊपर वाली ही। नवरात्रि की क्या क्या विशेषता है? नवरात्रि क्या 9 दिनों तक देवी की अलग अलग पूजा होती है? क्या वहां भी नाभि से ऊपर वाली विराजित है। नगर के मध्य पंचमुखी हनुमान और प्रसिद्ध श्री खेड़ापति हनुमान जी तथा चामुंडा माता विराजमान है। नगर से बाहर निकलते ही विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी महाराज की विशाल प्रतिमा विराजमान है और उत्तर पश्चिम के लक्ष्मण नदी जो कि वर्तमान में लखुंदर नदी के नाम से प्रसिद्ध है, नदी के तट पर सिद्धिपीठ माँ पीताम्बरा बगलामुखी का मंदिर है। यह भी कहा गया है कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख होता है। माँ बगलामुखी मंदिर के बाहर 16 खंभों वाला ये माँ भगवती की चरणारविंद में आकर के राजा विक्रमादित्य जब सारे साथी आए तो वो पूर्ण होने के बाद में वो उनकी यादगार में यहाँ माँ के सामने यह स्तंभ जो बना हुआ है दीप माली का उन्हीं के द्वारा। उसकी ऊंचाई क्या है? और उसकी ऊंचाई कितनी दीप माली? इसकी ऊंचाई तो साहब 40 फीट लगभग तो है। और ये जो 16 स्तंभ है इनकी क्या है? 16 स्तंभ क्या है? या 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या बगलामुखी आती है। 16 खंभा इसीलिए बनाए गए हैं कि यहाँ पर माँ भगवती विराजमान है। ये महाविद्याएँ हैं। महाविद्या के क्या नाम है? आपका नाम क्या है? प्रेम नारायण दादी जी, मेरा नाम भैया ही नलखेड़ा में माँ भगवती के चरणारविंद में हवन पूजन। बगलामुखी मंदिर क्या है? बगलामुखी माता मंदिर 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। यह अष्टम महाविद्या मानी जाती है। यहाँ पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर आराधना की गई, साधना की गई, भगवान की प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुई, महाभारत युद्ध के विजय प्राप्त हुए। पांडवों ने वरदान मांगा माता रानी से कि माता रानी हमारा पुत्र आप कर ही रहे हैं, हमें विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर ही रहे हैं, पर साथ में पांडव अनेक प्रकार का पाप होंगे, उन पाप निवारण के लिए आप सरकार के विराजमान भगवती आद्य शक्ति पीताम्बरा भगवान के विराजमान है। यहाँ पर जो कोई आराधना हवन पूजन अनुष्ठान करने से 36 अक्षरी मंत्र का अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान को करने से या पूजन हवन करने से या पर तंत्र पद्धति से हवन किया जाता है। तंत्र पद्धति के हवन करने से जितने भी कष्ट हुए हैं, राजनीति वाला हो, तोड़ वाला मामला हो, यहाँ की परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो। एक सभा मंडप भी है जो आज से 250 वर्ष पूर्व संवतः 181 में पंडित इंबू जी से दक्षिणी कारीगर तुलाराम ने बनवाया था। मंदिर में ठीक सम्मुख 80 फीट ऊंची दीप मालिका बनी हुई है। वहीं मंदिर के अहाते में एक हनुमान मंदिर, गोपाल मंदिर और काल भैरव मंदिर भी। मंदिर का मुख्य द्वार सिंहमुखी और मंदिर के पास 2 शिवालय भी स्थित है। मंदिर परिसर में नीम, पीपल, केवड़ा आदि के पेड़ हैं।
जो साक्षात माँ के विराजमान होने के संकेत हैं। माँ बगलामुखी के बारे में पूर्व आचार्यों ने कहा है कि कोरबा से युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माँ बगलामुखी की साधना और तंत्र शक्ति अर्जित हेतु नलखेड़ा मंदिर पर भेजा था, जिसका कलिका पुराण में वर्णन है। इस बात की पुष्टि विगत दिनों नलखेड़ा प्रवास पर आए विश्वविख्यात तांत्रिक कपाली बाबा श्री भैरवानंद जी महाराज ने पत्रकारों से चर्चा में की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की। नाम स्वरूप जी को ही और मोदी जी के परिवार के लोग भी आते हैं, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के परिवार के, सिंधिया परिवार के और भी कई, नरेंद्र सिंह जी तोमर के परिवार के लोग भी आते हैं, जय प्रदा जी ऐसे बहुत हस्ती आती है यहाँ पर, बहुत बड़े लोग भी आते हैं लेकिन अनुभव नहीं होने देते, छोटे बन के आ जाते हैं। बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज भी आते हैं वहाँ पर, बड़े एक से एक हस्ती आती है लेकिन वो मनुष्य बनकर के बिल्कुल छोटा बन करके आते हैं और माता जी से वो कुछ मांगते हैं, उनके करियर में जो भी होता है वो सब मांगते हैं, क्या चाहिए उनको, बड़े लोगों को क्या चाहिए, क्या आपत्ति है, क्या ऊर्जा है, क्या समस्या है या क्या उनको चाहिए माता जी से, तो माता जी सब प्रदान करती है। तो नहाने के बाद उनको गदगद हो जाते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं जी की उनको बहुत ताकत मिलती है, तो वो फिर अनेक बार आने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बहुत बार आए। नवरात्रि की क्या विशेषता है? नवरात्रि के यहाँ तो अनेक समय से यहाँ पर ये पूजा पाठ अर्चना चलती रही है। ब्रह्मास्त्र विद्या ब्रह्मा जी की आठवीं महाविद्या है बगलामुखी में, तो बगलामुखी माता जी आठवीं महाविद्या है तो ब्रह्मास्त्र विद्या, तो इसके द्वारा पांडव लोगों ने तंत्र विधि से प्रयोगिक हवन करे थे और प्रयोगिक हवन करे थे तो उनको ऊर्जाएं प्राप्त हुई थी, तो हस्तिनापुर का राज प्राप्त करा था उन्होंने, नहीं तो वो सारे मार गए थे हस्तिनापुर को, तो हस्तिनापुर का राज प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने माता जी की साधना करी थी। तो पांडवकालीन माता जी है, स्वयंभू है, किसी पंडित की के कारीगर की बनाई हुई पधराई हुई मूर्ति नहीं है, अपने आप में स्वयंभू है, तो अपने आप ही स्वयंभू काम होते हैं, कोई भी कितना ही परेशान व्यक्ति क्यों ना वो सुखी होकर जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण, ये 5241 साल पुराना है माता जी की मूर्ति, मंदिर तो फिर बदलता रहता है समय काल के अनुसार, बदल जाता है। चारों तरफ शमशान है, हाँ इधर शमशान है, इधर शमशान है, सब तुम शमशान निवासिनी महाविलासिनी, तू आरती के अंदर यही आता है कि तुम शमशान निवासिनी महाविलासिनी, तू ये तो शमशान में निवास करने वाली है। क्या नाम लिखते हो पंडित जी? मेरा नाम है राम बाबू शास्त्री। कितने समय से आप मंदिर में आ रहे हैं और क्या आता है? आगे बढ़ रहे हैं कन्या साहब लाइन से, 8-10 साल से मंदिर में आ रहे हैं और हमें यहाँ जो भी हम लोग ना मन्नत मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है, इसलिए हम लोग सब इससे जने के रूप में यहाँ हर साल आते हैं हर नवरात्रा में, और हमें यहाँ आके जो आनंद मिलता है वो शायद कहीं और जाके नहीं मिलता। क्या क्या विशेषता है मंदिर की, क्या क्या देखा आपने? मंदिर में हमने बगलामुखी माता जी के मंदिर के एकदम नजदीक से दर्शन करे और यहाँ पे तांत्रिक विद्या का भी बहुत कुछ है वो भी हमने पास में जाके देखा, हवन वगैरह कैसे हो रहे हैं वो भी देखा, और यहाँ का स्पेशल कोई मंदिर मांगते हैं तो उसके लिए हल्दी और मिर्ची के दाने वो सबसे ज्यादा वो है, और यहाँ पीला वस्त्र मैया को ज्यादा पसंद है तो वो हम लोगों ने सब में मिलके कुंडी मैया को पीले वस्त्र की चढ़ाई और पीछे एक नदी है उसके भी दर्शन करे, यहाँ आने में हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि पांडवों द्वारा युद्ध के पूर्व यहां साधना की गई और पांच भाइयों द्वारा माँ बगलामुखी की घोर साधना करने पर माता ने प्रकट होकर पांडव को विजय श्री का वरदान दिया। माँ बगलामुखी की महिमा अपरंपार है तथा माँ के चमत्कार अनंत है। कुछ श्रद्धालुओं ने मंदिर में सीमा के आसपास शेरों को भी घूमते हुए देखा है। माँ बगलामुखी के दरबार से निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन, रोगी को रोग दूर हो जाते हैं, वही समस्त दुखों का हरण करने वाली माँ बगलामुखी की महिमा अपार है। माँ बगलामुखी की साधना आराधना का प्रमाण स्वतंत्र तंत्र नाम ग्रंथ में आता है। माँ बगलामुखी की आराधना सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु भगवान ने की थी। सतयुग में एक समय भयंकर प्रलय और चराचर नष्ट हो गया, उस समय देवताओं की प्रार्थना से भगवान श्री हरि विष्णु ने महामाया की आराधना की और माँ बगलामुखी का दूसरा नाम स्तंभनी भी है। वहीं वैसे तो माँ बगलामुखी की आराधना ज्यादातर तांत्रिक साधना वाले ही तंत्र साधना के लिए किया करते हैं, परंतु नलखेड़ा वासी माँ बगलामुखी को पिताम्बरा स्वरूप मानकर आराधना करते हैं।